कर रहे थे किंग ओपन में बाकी के ऊपर बैठे अपने जी हां एक अच्छा डिप यहां पे इनके पास अवेलेबल है जैसा आपने मेंशन किया बट दूसरी तरफ डाउन क्लच गॉट डाउन फिनिश ही हो गया रे बेसिकली मूव करने की कोशिश कर रहा था वहां पे एक प्लेयर को गॉड लाइक खोना पड़ेगा देखना होगा कि आगे का प्रो कैसा रहेगा बट वो यहां पे एंगेज कर रहे हैं राजीव के प्लेयर के ऊपर जो जैसा मेंशन किया उस एवरेस्ट के पहाड़ से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं प्लस समिट पर एक और लड़ाई चालू हो चुकी है दैट्स सीरियस गेम जीरो दबा दिया मैंने 14th और 15th पोजीशन पर है ओवरऑल लीडर बोर्ड के और ये फाइट बहुत बहुत ज्यादा ट्रिकी होने वाली है बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है बट स्मोक्स यहां पे डाल रखे हैं यहां पे ऑलरेडी एक वॉल बिल्ड अप कर रखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड से हेड इन कर रहे हैं इन द मीनवाइल गॉड लाइक के लिए काफी खराब जोनाथन डाउन दो प्लेयर डाउन नियो फिनिश यहां पे नॉक हो चुके हैं जिसका यहां पे फिनिशेस चुरा दिए गए बाय टीम सीक्रेट सो गॉडलाइक अगेन इरांगल में काफी अनलकी रहती हुई इन टर्म्स ऑफ देयर रोटेशन आर नाउ ड्विंडलिंग डाउन एंड दैट्स इट दैट्स डन फॉर द टीम ये मैच तो यहीं पे खत्म हो जाएगा इनके लिए आखिरी प्लेयर बचे जिनके ऊपर अल्फा 7 बहुत ज्यादा प्रेशर डाली सेना टेक्सा किसी भी हालत में इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते बट इसी के साथ गॉडलाइक का भी इस मैच में सफर खत्म होता हुआ जी गॉड जो थे उनके ऊपर व्हीकल से फिनिश किया गया उनको बहुत डिफिकल्ट था गाइस लास्ट बंदा बचा हुआ था गॉडल का नॉक्स जिन्होंने वहां पे फिनिश ऑफ निकाला फेनर बाद से किसी ना किसी तरह से तो पॉइंट सिक्योर कर ही रही है एक आखिरी प्लेयर उनके भी बचे तो देखना होगा उनका क्या अप्रोच रहने वाला है इस मैच में आगे बढ़ने का स्टालवर्ड ईस्पोर्ट्स के पर अभी हम आ चुके हैं इनके लिए दिक्कतें काफी ज्यादा हमको नजर आ रही है क्योंकि स्क्राय और एक्शन दो प्लेयर्स बचे स्टारवर्ड ईस्पोर्ट्स के प्लस सर्कल के एज में मौजूद है और एंटर करने के लिए गेटकीप